नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं पार्वती, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पार्वती गोधानी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, मैं आज एक फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ गई हूँ। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पे, इस माध्यम पे वीडियो बना रही हूँ कि दोस्तों, मालती चौहान एक वीडियो मैंने इस पे चर्चा किया हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो 22 नवंबर को जो मैं फेमस यूट्यूबर की बात कर रही हूँ, मालती चौहान और विष्णुराज मिस्टर विष्णुराज अपनी बेटी को 22 तारीख को ले गए थे अपने घर पे और उसका वीडियो बनाया, देखो मेरा बेटा आ गया है, अपने दादी के पास उसको दिया था और दादी को, और अपने बेटे से पूछ रहा था, बेटा तू मामा के पास रहेगा या पापा के पास, नाना के पास रहेगा कि दादा के पास या दादी के पास। छोटा सा बच्चा था, बहुत खुशी था। तब तक मैं मालती अपने मायके में थी, फिर मायके से उसको अपने बेटों को ले गया। फिर उसी दिन विष्णुराज उसके मायके गए अपने ससुर से जाके के, अब हमारी पत्नी को विदा कर दो। उसके ससुर ने बोला, बेटा अभी इसकी मानसिक जो है ना संतुलन सही नहीं है, अभी 2-4, 10 दिन, 5 दिन रहने दो, फिर उसके बाद ले जाना इसको, अपने थोड़ा अपनापन के एहसास हो जाए, अभी ये दिल से थोड़ी टूटी हुई है। तो विष्णु ने ऐसा नहीं माना, क्योंकि उसको तो वीडियो बनाना था, उसका तो वीडियो आना बंद हो गया था, उसका तो पैसा आना बंद हो गया था, तो वो मानता कैसे। ना जाने इस बीच में क्या उसका चाल था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कौन जाने, क्या ना जाने, कौन किसको पता, मानती रहती इस दुनिया में तब तो उसको पता। तो फैंस, आप लोग उसकी प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, मालती चौहान फन ऑफिशियल के नाम से उसकी प्लेटफॉर्म पे जाके उसका पुराना वीडियो देखें, मरने से पहले, शायद यही 9 नवंबर 11 नवंबर की बात है दोस्तों। वो अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने फैंस को ये कहना चाहते थे कि मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे 10 दिन पे मारा जाता है, मुझे 5 दिन पे मारा था, मेरा पूरा बदन, मेरा शरीर टूट रहा है मार से, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज इस बात पे उसकी ऑडियंस, उसके चाहने वाले, उसके फैंस आज इस बात पे गौर करते, यकीन करते तो शायद आज वो इस दुनिया में रहती। मैं पुलिस प्रशासन से ये भी कहना चाहती हूँ, और शायद आज उसका पुराना वीडियो देखते, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी हर चीज से थक गई थी ना, हर चीज से थक गई। आज पुलिस प्रशासन उस वीडियो को, अगर पुराना वीडियो उसकी जाके देखे तो पता चलेगा कि कितनी परेशान थी, कितनी परेशान वो थी। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही पुलिस प्रशासन, यही सरकार, यही यूपी की सरकार को सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो इसमें दोषी है, जो गुनहगार हो, उसमें इस बारीक तरह से छानबीन किया जाए, और जिसका जितना दोषी है उसका उतना सजा मिलना चाहिए, चाहे जो राधिका हो, अर्जुन हो, विष्णुराज हो, चाहे इनमें जो जो दोषी हो, सबको उतना ही सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं कह देता हूँ फैंस कि आज वो मर गई तो आज सबको अच्छी लग रही है, ऐसे वैसे 9-17, कल वो जिंदा थी तो सबको बुरी लग रही थी। आज उसका मायके वाले भी उस पर ध्यान देती कि मेरी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी ननद कितनी परेशान है, उसकी उसको समझती तो आज वो इस दुनिया में रहती। जब जिंदा था तो कोई उसको साथ नहीं दिया, आज मर गई तो आज उसका सब साथ है। क्या फायदे है इस साथ का दोस्तों, क्या फायदे है, कोई फायदे नहीं है। जब है तो कोई साथ नहीं है, जब नहीं है तो सब साथ, ऐसे साथ से क्या फायदे है, कोई फायदा नहीं। हम क्या कहे दोस्तों, हम यही पुलिस प्रशासन कानून से कहना चाहते हैं, जो इसमें गुनहगार है, जो दोषी है, उसको सजा मिलना चाहिए। अब उस बच्चे का, नन्हे सा बच्चा है, उसका परवरिश कैसे होगा, क्या होगा, अब इस पे कानून ही उसका कुछ हिसाब लगाए, साथ दे, उस पे देखे और बारीक तरह से इस पे जांच हो, कौन दोषी है, कौन कसूर है, कौन कैसा है। और हम अपने वीडियो के माध्यम से और क्या कहेंगे, हमारा यही उद्देश्य है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और फैंस, आप लोग कमेंट करिएगा कि सच में उसको न्याय मिलना चाहिए, इस पे बारीक तरह से छानबीन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग सहमत है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा।
और क्या कहे, बस आप लोग सहचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी बातों, हमारी सरकार, हमारी पब्लिक तक पहुँच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि उसको न्याय मिल सके। हमारा यही उद्देश्य है, आज उसको न्याय मिलेंगे तो शायद कल और अर्थ है और महिलाएं हैं सबका भविष्य में आगा क्या होगा क्या ना होगा कौन जाने, क्योंकि उसका पुराना वीडियो जब उसकी प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ मालती चौहान ऑफिशियल फैन के नाम से है, तो कितना वो परेशान थे, कितनी दर्द से जूझ रही थी, कितनी परेशान वो खुद जानती थी। आज तो वो दुनिया से चली गई है तो क्या जाने क्या हुआ ना हुआ, क्या कहेंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य नहीं था किसी का दिल दुखाना, नहीं किसी को परेशान करना, बस आप लोग को सहचेत करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना देखिए अच्छा से, बस इससे आगे क्या होगा फिर आप लोग को नई वीडियो के साथ मिलेंगे आगे। ओके बाय, थैंक यू।